दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जिसका साइज़ है 20x40, 20x40 फुट में मकान डिजाइन किया है। इसकी डिज़ाइन की बात करें, एक मॉडर्न हाउस प्लान है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है और इसका फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो वो भी आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा 20x40 फुट में। तो बने फूड हम लगातार, मैं फोन झाकर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो पाते रहें। आज का जो प्लान है 20x40 में से जूम करके अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको मिलता है। इसकी ग्रिल की बात करें, रेलिंग की बात करें और इसका फ्रंट एलिवेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैनेज्ड और बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाती हैं। अब हम इसमें बारी बारी से डिफाइनिंग करेंगे। फिलहाल ये 3 साइड क्लोज्ड घर, मैं बता दूं तीनों साइड से बंद है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है और फ्रंट का ही आप डिज़ाइन सामने से देख पा रहे होंगे। ये फ्रंट का डिज़ाइन है ओवरऑल। अब हम इसके बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पर ये देखिए फ्रंट गेट है और जी ये डोर है, फ्रंट डोर, और ये आपका विंडो है। ये पिलर दी है सपोर्ट के लिए। अब जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं तो आप कार पार्किंग भी यहाँ पर कर सकते हैं इस जगह पर, और यहीं से मैंने स्टेयर्स दी हैं। यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे। फ्रंट में आपके बेहतरीन सा बेडरूम मिल जाता है, इसे आप गेस्ट रूम बोल सकते हैं। इसके जस्ट पीछे बड़ा सा लेट एंड बाथ पूरा कम्बाइंड मैंने दिया है। इसके बाद ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे और आप इससे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। इस डाइनिंग हॉल के जस्ट पीछे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। ये आपका बड़ा सा किचन मिल जाता है। इस किचन के लिए बेहतरीन सा मैंने यहाँ पर विंडो दिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम बात करते हैं इस विंडो का, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा किचन का। वहीं पर पीछे 2 बेडरूम है जिसके लिए अलग अलग मैंने डोर दिया है, विंडो दिया है, और ये आपका लेटरिन बाथ यहाँ पर जो कि आप गैलरी से एक्सेस कर पाएंगे। साथ साथ ये आपका गेस्ट रूम है जो एक्सेस कर पाएंगे। फ्रंट एलिवेशन आपका ये है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बनाकर आपको दिखाया है कि ग्राउंड फ्लोर है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सेकेंड फ्लोर की भी दिख रही हैं तो आप उसे इग्नोर करें। फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिए ग्रिल जो राउंड कलर का मैंने दिया है यहाँ पर, ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से आपका ये पैनल, एक मैंने पैनल इस्तेमाल किया है जिसमें आपका ये पिकॉक मोर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा डिज़ाइन पूरा वही है जो आपका फर्स्ट फ्लोर में था, बिल्कुल सिमिलर मॉडल वही है। पीछे 2 बेडरूम, किचन, ये आपका डाइनिंग हॉल, लेटन बाथ, किचन, ये आपका बालकनी बन जाता है जो कि आपका फर्स्ट फ्लोर का है। वो जो कार पार्किंग वाला एरिया था वो बालकनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये और यहाँ पर मैंने फ्रंट में ये देखिए डिज़ाइनिंग क्रिएट किया और ये ग्लासेस यूज़ किए हैं जिसको आपको फ्रंट एलिवेशन प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सके और डिज़ाइन आपका बेहतरीन लग सके। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये लास्ट फ्लोर पर मैंने ये चीज़ें क्रिएट की हैं। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आपके चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, ये स्टार्टिंग, ये आपका डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें हैं जिसमें आपका आप बेहतरीन लुक देखने को मिले। तो ओवरऑल ये मॉडल जो बना हुआ है 20x40 फुट में बना, विथ 3 बेडरूम, कार पार्किंग और बेहतरीन सा डिज़ाइन, ये मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप इसका अगर बजट की बात करें, इसका बजट निकालना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा बनवाने में, तो इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, उसे डाउनलोड करें और पूरा मटेरियल बता देगा, कॉस्ट बता देगा कितना घर को बनवाने में पैसा लगने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट है तो पूछें, मैं मैक्सिमम जूम करके एक बार और आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। ये देखिए डिज़ाइनिंग आप जो पैनल लगा हुआ है आप प्रॉपर तरीके से